आजो भैया ले आओ। सर अपना नाम डेजिग्नेशन बता दें। मेरा नाम रोहिणी सैनी है, जिला बाल संरक्षण कार्यालय पंचकुला में मैं कार्यरत हूँ सर। और जो आपकी बार डीसी साहब की अध्यक्षता में सर एक जिला टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला बाल संरक्षण कार्यालय से, लेबर डिपार्टमेंट से, एएसटीयू पुलिस विभाग से और बचपन बचाओ आंदोलन से जो संयुक्त टीम है, वो हमारे पंचकुला जिले में जितने भी चाइल्ड लेबर केसेज हैं, चाइल्ड बैगिंग केसेज हैं, उनको रोकना हमारा परम उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हमने आज सेक्टर 20 की जो मोटर मार्केट है वहाँ पे बच्चों को, 6 बच्चों को रेस्क्यू किया है। भिन्न भिन्न शॉप्स पे वो कार्यरत थे, जैसे ऑटो है, कोई 2-3 ऑटो शॉप्स हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, जिनकी उम्र लगभग सर 18 साल से नीचे ही हैं, 13-14 साल समथिंग 16 साल के लगभग भी हैं कुछ बच्चों की उम्र। तो ये अलग अलग दुकानों पर काम करते थे? अलग अलग दुकानों पर वर्किंग थे सर, कोई जैसे ऑटो मैकेनिक का काम कर रहा था, कोई एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था सर वहाँ पर। ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और ये बच्चे लेकर आए हैं, कितने बच्चे हैं और कहाँ से अरेस्ट किया बच्चे? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल। जो बच्चे नाबालिग हैं, लेबर का काम कर रहे हैं भिन्न भिन्न स्थानों में, उनको आज टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। टीम में लेबर इंस्पेक्टर और डीसी के स्टाफ से और बचपन बचाओ आंदोलन से टीम बनाई गई थी, उसके आधार पर आज हमने सेक्टर 20 की मोटर मार्केट से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। और अब इन बच्चे का मेडिकल करवाने के बाद इन बच्चों को CWC के समीप पेश किया जाएगा और मकान मालिक के जो है, उनका मालिक है दुकानों का, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लेबर इंस्पेक्टर द्वारा चालान करवाया गया। ये अलग अलग दुकानों पे काम करते थे या एक ही दुकान पे काम करते थे? अलग अलग दुकानों पे काम करते थे। क्या क्या उम्र है इनके बच्चों की? इन बच्चों की उम्र है, किसी की 16 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 12 साल है, किसी बच्चे की 13 साल है। तो आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी? जैसे पिछले हफ्ते भी हमने की थी और 7 बच्चों को सेक्टर जो है 9 से रेस्क्यू किया गया था, उनको भी बच्चों के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अभी अगले हफ्ते भी फिर स्टार्ट किया जाएगा, हर हफ्ते का प्लान बना गया है और हर अलग अलग जो बच्चे लेबर काम कर रहे हैं उनको भिन्न भिन्न सेक्टरों से रेस्क्यू किया जा रहा है।